दोस्त, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही कीमती चीज ढूंढ रहे। वो सालुमन नाम का एक पानी का जहाज था, उसमें खजाना भी था। वो वहाँ जगह देख रहे हो? ओ, वहाँ, वहीं पर वो डूब गया था। बस ये जगह तुम अपने पिताजी को दिखा देना और तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी खत्म। हाँ दोस्त, वो खजाना मैं भी देखना चाहता हूँ। क्या करोगे दोस्त, वैसे भी देखने के बाद तुम्हें दुखी होगा, खुशी नहीं। मेरा तो यही अनुभव है। नहीं दोस्त, मैं नहीं मानता तुम्हारी ये बात। रुपया पैसा जिंदगी में खुशी लाते हैं, दुख नहीं। और तुम दुनिया में हर चीज खरीद सकते हो, जो भी चाहो। अपनापन, प्यार, दोस्ती, खुशी, जिंदगी, संगीत, मन की शांति, इनमें से कुछ भी खरीद सकते हो तुम अपने खजाने से दोस्त। पर दोस्त, नहीं दोस्त, दोस्त क्या तुम जानते हो जिंदगी क्या है? क्या है? Give me.
अजीत। अरे दोस्त। अरे यार अजीत, कहाँ थे तुम सब लोग? सुबह से ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों को। मैं तो यार दोस्त के साथ घूम रहा था। तू भी चलेगा? मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तू भी याद रखेगा। अच्छा तुम दिखाओगे ना? हाँ। अच्छा ठीक है, ये पकड़ो, दिखाओ दिखाओ। अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो? ये हुई ना बात, चलो मेरे साथ चलो। रुको दोस्त, इससे आगे तुम्हारी ये घोड़ा साइकिल नहीं जा सकती, इसे यही रख दो। दोस्त, अब जो कुछ मैं तुम्हें दिखाने और बताने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। दिखाते तो कुछ हो नहीं, सिर्फ बताते हो। ठीक है, मिर्ची दिखाता हूँ, चलो। या मैं भी? अच्छू धीरे, आवाज नहीं। अजीत, ये म्यूजिक की आवाज आ रही है ना भैया? कितना अच्छा है ना। कितना अच्छा। भैया रुको ना। ये देखो, ये क्या है? यही दिखाने तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। पर असल में ये है क्या? बताता हूँ बताता हूँ, बैठो। बहुत साल पहले यहाँ एक राजा राज्य करता था और उसके दो दरबार थे। एक तो सामान्य था पर दूसरा सिर्फ बच्चों का था, और उसमें काम करने वाले बच्चे ही थे, दरबारी तक बच्चे थे। चारों तरफ उस राज्य में खुशहाली थी, ईमानदारी थी और कोई बात की कमी नहीं थी। उस राज्य की कीर्ति सूर्य की तरह चमकती थी, चंद्रमा की तरह झिलमिलाती थी। जितनी सच्चाई ईमानदारी उस राज्य के इस बच्चों वाले दरबार में थी वो तो अपने आप में एक मिसाल थी, और बुराई तो यहाँ ढूंढे नहीं मिलती थी। और इस राजा के लिए बच्चों की खुशी से अधिक और कुछ भी नहीं था। वो तो बस बच्चों को खुश देखना चाहता था किसी भी मूल्य पर। और शायद यही कारण था कि ये राज्य अपने समय का सबसे समृद्ध राज्य था। बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, आज की समस्या क्या है? सभा क्यों बुलाई गई? देव, आज की समस्या ये है कि हमें ये विचार करना चाहिए कि यदि राज्य में कोई भी काम ना हो, समस्या ना हो, तो हम राज्य के कर्मचारी क्या करें? बहुत अच्छा विचार है, तुम ही लोग बताओ क्या किया जाए। देव, हम सब बच्चे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि धरती पर बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर स्वर्ग होना चाहिए। पर क्या हमारे राज्य में कोई कमी है बच्चों को? नहीं देव, पर अपने राज्य में बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं और जवान भी। खुलकर पूरी बात हमें समझाओ। देव, एक ऐसा स्वर्ग जिसमें केवल बच्चे हो और कोई नहीं। इस सुझाव का हम स्वागत करते हैं। बोलो कितना धन चाहिए? देव, बहुत सारा धन चाहिए। ठीक है, राज्य का जो भी खजाना है वो बच्चों के स्वर्ग के लिए अलग कर दिया जाए। आप बड़े दयालु हैं देव। राजा की जय हो। राजा की जय हो। राजा की जय हो। राज्य का खजाना पाकर बच्चे रात दिन सोच सोच कर योजनाएं बनाने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि दुनिया का एक अनूठा बच्चों का स्वर्ग उन्हीं के द्वारा बनाया जाए, जिसमें खेल कूद, चिकित्सालय, खान पान, पढ़ाई लिखाई और सभी सेवाएं बच्चों को निःशुल्क दी जाए। हो,
राजा और उन बच्चों का सपना आज तक पूरा न हो सका। अभी भी वो खजाना उसकी प्रतीक्षा कर रहा है जो बच्चों का स्वर्ग बना सके। कहाँ है वो खजाना सुवर्ण बॉय? यही है, पर उसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ। वो बहुत बड़ा होगा ना, सोना चांदी बहुत बड़ा, उससे भी कई ज्यादा। तो क्या हजारों लाखों? उससे भी ज्यादा। तो क्या करोड़ों अरबों? अरे उससे भी अधिक। तो क्या वो खजाना हम देख सकते हैं? वो ही तो दिखाने मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, चलो मेरे साथ। समझ गए? वाह, अरे दोस्त ये देखो कितना सुंदर है। अरे ये देखो दोस्त, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे मेरे साथ चलो और भी दिखाता हूँ। चलो सोलोमन। सुरेश, यस, अगर इस घंटी के क्लू से हमें उस काल का कुछ भी मिल गया देन इट विल बी वंडरफुल। अशोक, इट इज वेरी डिफिकल्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अशोक, अशोक बच्ची अभी तक स्कूल से नहीं लौटे। लौट आएंगे, मगर उन्हें तो 2 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। भारती, खेल रहे होंगे कहीं, आ जाएंगे। उनके दोस्तों के घर फोन करके देख लो, बट डोंट डिस्टर्ब अस प्लीज। आई एम सॉरी, ओके? हाँ, आई एम सॉरी सुरेश, दैट्स ऑल राइट। हाँ, सोलोमन जहाज 1918 में इसी जगह पे डूबा था, करेक्ट? अरे ये देखो, अजीत और विजय की साइकिल। हाँ, वही है। इसका मतलब वो लोग यही कहीं हैं। चलो वहाँ देखते हैं। हाँ। चलो। वाओ, वंडरफुल। फूल? दोस्त कौन सा फूल? दोस्त फूल कहाँ है? और मैं बोल रहा था। हाँ, कितना सुंदर है वो तो ये है ही। ये है, अरे वो देखो खजाना, अरे ये है, ये है, ये अरे अजीत ये देखो, देखो हीरे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भैया भैया ये देखो कितना सुंदर है। ये ए विजय, हाँ वहाँ देखो मोती का हार। हाँ, अरे यहाँ भी बहुत अच्छा है। ये देखो यहाँ तो सोने का कपड़ा है। अरे वाह, अरे अजीत अजीत यहाँ देखो अजीत, वो अजीत मैं तो राजा बन गया। अरे वाह राजा, मैं महाराजा बन गया। ओ हो महाराजा, वाह वाह। हार चाहिए? मैं तो कार खरीदूंगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ गिटार खरीदूंगा। संसार चाहिए? मैं तो प्लेन खरीदूंगा, एस्टेट खरीदूंगा। अरे वाह, हार चाहिए? मैं शिप खरीदूंगा। या ये संसार चाहिए? Thank you.
क्या बात है दोस्त? अरे ये तो तुम्हारी बंसी की आवाज लगती है। हाँ दोस्त, अब मेरा 3 दिन का समय पूरा हो गया। क्या? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं केवल 3 दिन ही तुम्हारे साथ हूँ? कहा तो था, मगर मुझे पता ही नहीं लगा कि ये 3 दिन कैसे निकल गए। पता तो मुझे भी नहीं लगा दोस्त, पर मुझे कोई अफसोस नहीं। इन 3 दिनों में मैंने बहुत कुछ पा लिया है दोस्त। क्या तुम किसी भी तरह नहीं रख सकते दोस्त? हाँ सुन पर, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं मिर्ची, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी मेरा काम तो हो गया दोस्त, तुम्हें एक खजाना देकर। खजाना? हाँ, खजाने की बात नहीं, खजाना की बात कर रहा हूँ। खजाना नहीं चाहिए, अरे हार भी नहीं चाहिए, खजाने के बारे में तुम्हें नहीं पता है। पर दोस्त मेरी बात तो सुनो। दोस्त तुमसे बड़ा ये खजाना थोड़ी है। नहीं दोस्त, इस खजाने का उद्देश्य तुमसे और मुझसे और हम सबसे बहुत बड़ा है। दोस्त लगता है मेरी शक्ति कम होती जा रही है, शायद सूरज डूब रहा है। अच्छा जल्दी चलो, मैं तुम्हें गुफा के बाहर पहुंचा कर अपने चट्टान पर चला जाऊंगा। चलो। और अगर तुम सूर्यास्त के पहले नहीं पहुंचे तो क्या होगा? तो मैं हमेशा हमेशा के लिए राख बन जाऊंगा दोस्त। पर दोस्त बात करने का समय नहीं है, जल्दी चलो चलो जल्दी चलो। इससे पहले कि तुम्हारी ताकत खत्म हो जाए हमें चट्टान पर पहुंच जाना चाहिए। चिंता मत करो दोस्त, अभी बहुत समय बाकी है, हम पहुंच जाएंगे। अरे ये क्या हो गया दोस्त? क्या हुआ दोस्त? लगता है किसी ने हमारा रास्ता पत्थर के बाहर से बंद कर दिया है। अरे क्या कह रहे हो? तो फिर चिंता मत करो दोस्त, मैं देखता हूँ। अब तो मेरी बांसुरी की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। अशोक, अशोक बच्चों का कहीं पता नहीं चला। क्या कह रही हो? हाँ, सैनिकों की भालू कोई भी घर नहीं लौटे। सुरेश व्हाट्स हैपनिंग? अच्छा अच्छा घबराओ मत, आ जाएंगे आ जाएंगे। मैं स्कूल में फोन करता। नहीं नहीं, वो लोग 11 बजे स्कूल से जा चुके हैं। व्हाट? सुरेश बच्चे कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी गए हो से बाहर नहीं। मैं भी चलती हूँ। आओ आओ, पुलिस में खबर करेंगे? नहीं पहले चलकर स्कूल में देखते हैं। ठीक। आप पता चला ये रास्ता तुम्हारे दोस्तों ने बंद कर रखा है, फिर भी चिंता मत करो और चलो मेरे साथ जल्दी। Excuse me, my kids are missing this morning. किस दिन आ गए? मिशेल इन पेजेस ऑफ दिसा बुक वहां पे दे। अजीत एक क्लास। क्या उम्र है? 12 साल का है। दूसरा लोता को वहां पे अर्चना।
चिराग क्या उम्र है? 8 साल की है। मितांग दीपिका इन पैजी दीपिका या की कोते निकुल एमजीआई हेलो हेलो पुलिस अंतराल इन दिसाफा फिर मिसिंग एना एन अपील अजीत दुजों अर्चना वितो वी 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 हेलो हेलो सतराल सतराल अपील सतराल हेलो हेलो